it out. गुड मॉर्निंग फ्रॉम ऊटी. और हम लोग कल निकले कोयम्बतूर से और घाट ऊपर चढ़ते चढ़ते यहाँ ऊटी पहुँच गए हैं. रफली 2 किलोमीटर के ऊंचाई पे ऊटी शहर है और रात का जो टेम्परेचर था करीब 8 डिग्री सेल्सियस तक. आप देख रहे हैं हमारा थोड़ा सा जैकेट वैकेट ऊपर आ गया है और नीचे हमारी टिगोर खड़ी हुई है, इंतज़ार कर रही है हमारा. तो अब आज हम लोग मैसूर होते हुए वापस जाने वाले हैं. जो चलिए सफ़र शुरू करते हैं. गूगल मैप्स हमें ये कहता है कि करीब 6 घंटा 50 मिनट लगने वाला है हमको इस समय ऊटी से मैसूर जाने के लिए. अगर आप पेट्रोल कार में रहते तो समझ लिए घंटा भर और रुकते आप रास्ते में, सुसू ब्रेक, खाना पीना, और करीब 8 घंटे के आसपास लग जाएगा. रास्ते में सिर्फ एक ही जगह रुकने वाले हैं हम लोग. नीचे जाने का फायदा ये रहता है कि आपकी गाड़ी रीजन मोड में चले जाती है तो आपके वॉट आवर्स पर किलोमीटर काफ़ी नीचे हो जाते हैं. उस वजह से ऊपर आते वक्त हमको ऑलमोस्ट 350 वॉट आवर्स पर किलोमीटर के आसपास चढ़ाई पे लगा है. एवरेज 250 के आसपास है. नीचे जाने के वक्त हमको लगता है कि पक्का है इसका 100-150 के बीच में या उससे नीचे भी शायद हो सकता है. तो मैसूर में हम लोग ज़ियोन के चार्जर पर चार्ज करने वाले हैं. चलिए शुरू करते हैं. अभी कॉल नहीं पर बस चिपक गया. अनलोडेड. वेरी गुड. व्हाई द क्लीनिंग 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 क्लीनिंग. Captain, we are getting energy back as we are going down. Correct. What about ICE cars? They are idiots, sir. They can't convert smoke back into fuel. बोर्ड को देखिए, बोलता है सेकंड गियर में जाइए. लेकिन हम बाबू क्या करें, हमारा गाड़ी में गियरवा ही नहीं ना है. लेकिन क्या करें, लेकिन ससुरा रीजन है और अब हम 99% रीजन पे पहुंच गया. बताइए अब आगे क्या होगा. बहुत नाइंसाफी. सो द डिलेमा हियर इज दैट द कार इज नाउ 99% बिकॉज ऑफ रीजन. So captain, what does captain want, Atulji? So captain is going to go up now, and he's going to consume some of the battery. So the idea of going up is to get some battery drained, and hopefully the regen should start. Because without regen, this car is difficult to drive on the way down. We should have not started with 100%. I would suggest to those of you who are going to be using the UT Ghat later on with your EVs, get it down drained to 90% before you start. Captain, yes. At 99% SOC, region, there's no region. There's very little region. How is the drive? Drive sucks. It's not interesting at all because it's, we want region to happen, I'm using these stupid brakes, you know. And they're burning out. And they are heating up for no reason. मसानगुड़ी घाट उतरने के बाद में हम मिले विक्रम माथिया साहब से. विक्रम जी एक बहुत बढ़िया सा रिजॉर्ट चलाते हैं जंगल के बीच में, जिसका नाम है जंगल हट. और मज़ेदार बात यह है कि उनकी भी एक टाटा टिगोर इलेक्ट्रिक गाड़ी है.
वहाँ हम उनसे मिले, उनके परिवार से मिले, उनके स्टाफ से मिले और उनके बारे में, उनके टाटा टिगोर ईवी के ओनरशिप एक्सपीरियंस के बारे में बात की। ये है एक झलकी। इज अ टिप फॉर पीपल हु वांट टू गेट इनटू रैलिंग। वेल यू नीड टू हैव एट लीस्ट वन स्क्रू लूज। इट्स देयर अ लॉट ऑफ स्पीड इन्वॉल्वड। देयर इज अ लॉट ऑफ स्पीड एंड अ लॉट ऑफ साइंस बिहाइंड इट, सो यू नीड टू नो व्हाट यू आर डूइंग। और अब हम लोग ऊटी के घाट से उतर चुके हैं। घाट जो है भारत में सबसे ज्यादा टफ माने जाने वाला घाट ये माना जाता है। 36 जलेबियां मोड़ हैं इसके अंदर में और करीब 11-12 किलोमीटर के रास्ते में 2 किलोमीटर की आप चढ़ाई चढ़ रहे हो, तो रफली समझ लीजिए कि परसेंटेज ग्रेडियंट 15-20% का है। उतरने वाले हमारे पायलट थे कैप्टन संजय, और उनसे थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि कैसा रहा है एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक कार के साथ में नीचे उतरना। मेरे को चलाने मिला आज और मुझे बहुत मजा आया। बस इतना था कि हमें करीब 70% पे चालू करना था वहां से, तो हम पूरा रीजन का फायदा उठा पाते। आज ऐसा हुआ कि हम 100 से चालू किए और 95 तक लगभग हम आए। उसके बाद रीजन सिर्फ 98 तक होता है, उसके बाद रीजन नहीं होता है, तो हमें दिक्कत हुई रीजन इस्तेमाल करने में और हमें एक्चुअल ब्रेक पैड्स का इस्तेमाल करना पड़ गया, जो कि मज़ा नहीं आया। लेकिन 95 से 98 कुछ ही टाइम में हो गया, और वो रीजन डाउन स्लोप यानी नीचे आते वक्त बहुत कारगर है, और ये एक पेट्रोल या डीजल कार में बिल्कुल कोई काम का नहीं है, क्योंकि वो धुएं से वापस पेट्रोल नहीं बना सकते। हम तो रीजन करके वापस बैटरी चार्ज कर लिए, और जो कि बहुत मजा आया। आपको कैसा लगा? एकदम बढ़िया। और अगर आप उसका एक्सपीरियंस देखो कि आप एक पेडल के साथ नीचे आ रहे हैं, बिजली जनरेट करते हुए आ रहे हैं, इससे खुशी की बात क्या हो सकती है? और तो आपको जान के खुशी होगी कि हम मात्र 2% में लगभग कितना किलोमीटर, 30 किलोमीटर चले। इससे अच्छा क्या हो सकता है? मुश्किल से 4 रुपए में हम 30 किलोमीटर चले। कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, मैं तो बहुत खुश हूँ। आपका क्या व्यू है? ठीक है, तो घाट में आपको जो मजा आता है गाड़ी चलाने का, ऑफ कोर्स पैसे की कमी का, तो मतलब पैसे जो नहीं लग रहे हैं आपको वो तो बात अलग है, लेकिन जो आपका आराम है, यू नो, कि बिना आप कुछ किए हुए गाड़ी नीचे जा रही है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कोई आवाजें नहीं आ रही हैं। अगर आप इंजन ब्रेकिंग का इस्तेमाल करते हैं तो आपको जो की आवाज इंजन, क्योंकि इंजन तो चलते रहता है, जो फ्रिक्शन है ब्रेक पैड के बदले में आपका सिलेंडर और पिस्टन के बीच में हो रहा है, ठीक है, तो उसकी आवाज बहुत भयंकर रहती है क्योंकि आप दूसरे गियर में चला रहे होते हो, ठीक है, कहीं कहीं एक पे चलाना पड़ता है। हाँ, हमको तो बोला गया था कि भैया 2 में नहीं 1 में चलाओ, वगैरह। भैया हम क्या करें, हम तो रीजन वाले आदमी, हमको गियर के बारे में चिंता है ना। तो ये जो मजा है आपको सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियों में ही आता है। जंगल के थ्रू होते हुए कर्नाटक बॉर्डर क्रॉस किए और रास्ते में एक हाथी देखा। इस रास्ते में आपको दुकानें नहीं मिलेंगी, आखिरी दुकान आपको मसानगुड़ी में मिलेगी, तो अगर आप कुछ खरीदना चाहते तो वहीं खरीद लेना। टिगोर इलेक्ट्रिक में आप जब जंगल में जाते हो तो शांति इतनी रहती है कि पूरे जंगल की आवाजें आपको सुनाई देती है, जर्नी है बहुत ही बढ़िया रहती है। कर्नाटक बॉर्डर क्रॉस करने के बाद हम लोग मैसूर पहुंचे और ज़ियोन चार्जर एक लगा हुआ है मॉल ऑफ मैसूर में, वहाँ पे हमने गाड़ी चार्जिंग पे लगाई, कोई गड़बड़ नहीं था, ज़ियोन चार्जर ने बढ़िया काम किया। मैसूर में हम मिले कैप्टन अरविंद शर्मा से, जिनने हमें अपने महिंद्रा इटुओ में घुमाया, हमको KRS का डैम लेके गए, जो कि वहाँ पे हमने अरविंद साहब के साथ योटिंग की थोड़ी इनकी सेल बोट में। दिस इज नॉट एन इलेक्ट्रिक व्हीकल बट विंड व्हीकल, नेवरदलेस does not use petrol energy, don't look at that outboard motor over there. If you get into the wind and it dies down, bring it away from the wind. Damn lights have come. सेलिंग करने के बाद हम शाम को निकले बेंगलुरु के लिए। मैसूर रोड में एक हमको स्टॉप लेना पड़ा था थोड़ा सा चार्ज अप करने के लिए गाड़ी को, और फिर इलेक्ट्रॉनिक सिटी में रात तक हम पहुंच गए। बहुत ही बढ़िया ट्रिप रहा। अगर आप
का कभी जाना हुआ ऊटी तो कोशिश कीजिए मसानीगुड़ी घाट से चढ़ने के लिए। आपको नीचे आते वक्त जो रीजन का मजा आता है वो आपको कोई भी पेट्रोल गाड़ी नहीं दे सकती है।